बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग आज कक्षा 9वीं गणित में गणित का इतिहास पढ़ेंगे। बच्चों को हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इकाई एक। तो चलिए बच्चों देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स गणित का इतिहास। बच्चों गणित एक ऐसा विषय है जिसकी व्यापकता सार्वभौमिक है। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। अतः वेदांग ज्योतिषमें ऋषि लगत द्वारा लिखे श्लोक के अनुसार, उन्होंने श्लोक लिखा था बच्चों, वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगत द्वारा लिखे श्लोक के अनुसार, श्लोक है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मोर के सिर पर शिखा और सर्प के फन पर मणि सुशोभित होता है। गणित विज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएं होती हैं बच्चों। कितनी शाखाएं होती हैं गणित विज्ञान की? तीन शाखाएं होती हैं। और ये तीन शाखाएं कौन कौन सी है देखते हैं। तीन शाखाएं हैं, एक है आपका अंकगणित, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स अंकगणित, दूसरा है बीजगणित, एलजेब्रा जिसको बोलेंगे बच्चों बीजगणित, और तीसरा है रेखा गणित, ज्योमेट्री रेखा गणित। तो इस तरह से गणित विज्ञान की तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। गणित विज्ञान की तीन मुख्यतः शाखाएं हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अंकगणित। अंकगणित का वैज्ञानिक रूप से विकास लगभग 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका जो वैज्ञानिक रूप से विकास हुआ था वो 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था बच्चों। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। किसका? अंकगणित का सबसे ज़्यादा उपयोग हम दैनिक व्यवहार में इसका उपयोग करते हैं। इस अवधि में जो विश्व प्रसिद्ध महान गणितज्ञ भारत में हुए थे उनमें थे आर्यभट्ट। कौन कौन से थे? एक थे आर्यभट्ट। अंकगणित के समय की बात पर चल रहा है बच्चों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था आर्यभट्टी, आर्य भट्टियम भी बोलते थे उसको, आर्यभट्टियम। वराहमिहिर, वराहमिहिर इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा, जिसको हम पंच सिद्धांत भी बोल देते हैं, पंच सिद्धांतिका। फिर ब्रह्मगुप्त, मिलता है। तो सुनने के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का जो सर्वप्रथम साक्ष्य बक्साली पांडुलिपि में पाया गया बच्चों। प्राचीन भारतीय अंकित पद्धति में शून्य तथा उसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक है। शून्य का आविष्कार करने वाला भारत ही था। याद रखेंगे शून्य को हम इस तरह लिखते हैं, शून्य का आविष्कार किसने हुआ, कहाँ हुआ था बच्चों? पूरे विश्व में, भारत में। तो भारत में ही शून्य का आविष्कार हुआ है। अरब देशों में शून्य को हिंदसा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हिंदसा। अरब देशों में शून्य को हिंदसा कहा गया। क्या कहा गया? हिंदसा कहा गया। खालिस्तान में अगर हम पूछा जाता है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भास्कराचार्य ने लिखा है कि शून्य को किसी भी राशि में जोड़ने अथवा शून्य को किसी भी राशि में घटा दें तो उस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसने कहा था इसको? भास्कराचार्य ने कहा था। बिल्कुल सही है कि शून्य को किसी के साथ जोड़ दें अथवा घटा दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। अर्थात शून्य को किसी संख्या में भाग देने पर अनंत प्राप्त होगा। देखिए जोड़ने और घटाने से तो कोई अंतर नहीं आता बच्चों। जैसे शून्य को घटा दिए, जोड़ दिए तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन भाग दे दें, शून्य को अगर भाग दिया जाए किसी भी राशि से, शून्य को किसी संख्या से मान लीजिए हम इस तरह से भाग देते हैं, तब हमको भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है, जिसे भास्कराचार्य ने खहर नाम दिया था। याद रखिएगा बच्चों, क्या नाम दिया था भास्कराचार्य ने इसको? खहर।
खर नाम दिया था किसको, कि किसी संख्या को अगर शून्य से भाग दिया जाए तो अनंत प्राप्त होता है, इस अनंत शब्द का नाम रखा था खर, किसने, भास्कराचार्य ने। अब हम देखेंगे भारतीय अंकों का विकास क्रम, कि भारत में जो अंक पद्धति आया उनके विकास क्रम किस प्रकार रहा। तो भारतीय अंकों का विकास क्रम, भारतीय अंकों के विकास क्रम में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे जो आता है इतिहास में वह है खरोष्ठी प्रणाली। खरोष्ठी, खरोष्ठी प्रणाली ये सबसे पहले आया, खरोष्ठी प्रणाली। फिर आया ब्राह्मी प्रणाली, ब्राह्मी, ब्राह्मी प्रणाली। ब्राह्मी प्रणाली के बाद आया बच्चों ग्वालियर प्रणाली, ग्वालियर, ये ग्वालियर प्रणाली आया। ग्वालियर प्रणाली के बाद आया देवनागरी प्रणाली, जो बहुत प्रचलित है आज भी है, देवनागरी पद्धति, देवनागरी प्रणाली। देवनागरी प्रणाली के बाद आया आधुनिक प्रणाली, जैसा कि आप लोग लिखते हैं इसको हम आधुनिक प्रणाली कह देंगे, आधुनिक प्रणाली। तो इस प्रकार से ये इतिहास में हमको मिलता है कि भारतीय अंकों का के क्रम किस प्रकार रहा है। तो सबसे पहले खरोष्ठी प्रणाली, फिर आया ब्राह्मी प्रणाली, फिर आया ग्वालियर प्रणाली, उसके बाद आया देवनागरी प्रणाली, जो महत्वपूर्ण और प्रचलित प्रणाली है देवनागरी प्रणाली। आज हम भारतीय मुद्रा के चिन्ह को देवनागरी प्रणाली में ही लिखते हैं बच्चों, इस प्रकार से देवनागरी प्रणाली है। उसके बाद आया आधुनिक प्रणाली। यजुर्वेद संहिता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर के 10 घात 53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए, 1 से लेकर के 10 घात 53 यहाँ तक की जो संख्याएं हैं उनको अलग अलग नाम से लिखा गया, अलग अलग नाम दिया गया। जैसे उनमें कुछ को आपको जैसे चर्चा करें, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम को लिखा जाता है 10 का घात 11। क्या लिखा जाता है न्यूनतम को, 10 का घात 11। इसी प्रकार उत्संग, उत्संग को लिखा जाता है 10 घात 21, 10 का घात 21 लिखा जाता है बच्चों उत्संग को, 10 घात 21। उत्संग के बाद आता है हेतु हिलम, हेतु हिलम, हेतु हिलम को 10 घात 31 पढ़ा जाता है, 10^31, 10 घात 31। उसी प्रकार नित्र वायम आता है, नित्र वायम, नित्र वायम, नित्र वायम को 10 घात 41 पढ़ा जाता है। और तल्लक्षणा शब्द भी आता है, तल्लक्षणा, तल्लक्षणा शब्द को 10 घात 53 पढ़ा जाता है। तो इस तरह से कुछ संख्याएं हैं, इसको आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना, ये उच्च संबंध वगैरह में, खाली स्थान वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। न्यूनतम 10 घात 11, उत्संग 10 घात 21, हेतु हिलम 10 घात 31, नित्र वायम 10 घात 41, तल्लक्षणा को 10 घात 53 पढ़ा जाता है। अंकगणित के बाद अब देखते हैं बीज गणित, बीज गणित, बीज गणित में अव्यक्त राशि की बात की जाती है बच्चों, अज्ञात राशि की बात की जाती है। अव्यक्त राशि से तात्पर्य उस राशि से है जिसका मान प्रारंभ में ज्ञात ना हो, उसे हम कहते हैं बीज राशि। इसलिए अव्यक्त गणित को बीज गणित के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अव्यक्त गणित का एक और नाम है, अव्यक्त गणित को बीज गणित के नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि बीज गणित को अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। इसे कुट्टक गणित भी कहते हैं बच्चों, कुट्टक, याद रखिएगा ये नाम, कुट्टक गणित। बीज गणित को कुट्टक गणित के नाम से भी जाना जाता है। तो बीज गणित के हमने क्या क्या नाम देखे, एक देखा हमने अव्यक्त गणित, दूसरा बीज गणित तो कहते ही हैं, और इसको कुट्टक गणित के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में भारत में भिन्न भिन्न आकृतियों की यज्ञ विधियाँ बनाई जाती थी, आप सबको मालूम है यज्ञ विधि कैसे बनाए जाते थे, आज भी आप यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ विधि बनाया जाता है। इसकी रचना द्वारा बहुत से बीजगणित समीकरणों का उपयोग होता था। बीजगणित का आरंभ 3000 ईसा पूर्व माना जाता है बच्चों, भारत में बीजगणित का आरंभ 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है। वेदियों की रचना के लिए जो ग्रंथ बनाए गए उन्हें शुल्व सूत्र का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया बच्चों, शुल्व सूत्र। किसको शुल्व सूत्र कहा गया, वेदियों की रचना के लिए जो ग्रंथ बनाए गए उसे कहा गया शुल्व सूत्र। भिन्न प्रकार की यज्ञ वेदियों के निर्माण में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं की जिनके लिए रेखी और युगपत संकर का हल ढूंढना पड़ा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर देखेंगे रेखा गणित, रेखा गणित। भारतीय गणित के इतिहास पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों की रेखा गणित की नींव शुल्व काल या वेदांग ज्योतिष काल में ही पड़ चुकी थी। शुल्व काल या वेदांग, वेदांग ज्योतिष काल में
वेदांग ज्योतिष काल में जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व में ही पढ़ चुकी थी। और इस काल में रेखागणित को विभिन्न नाम से जाना जाता था, जैसे कि शुल्भगणित। इस समय रेखागणित को क्या क्या नाम से जानते थे बच्चों, ध्यान समझिएगा। शुल्भगणित कहा जाता था, शुल्भ विज्ञान भी कहते थे। शुल्भ विज्ञान के साथ साथ इसको रज्जुगणित भी कहा जाता था, रज्जुगणित के साथ साथ इसको रज्जु संख्यान भी कहा जाता था, रज्जु संख्यान। रज्जु संख्यान के साथ साथ इसको रज्जु क्षेत्रमिति भी कहा जाता था, रज्जु क्षेत्रमिति। ये सभी नामों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों, रज्जु क्षेत्रमिति। रज्जु क्षेत्र गणित भी कहते थे, क्षेत्रमिति के साथ साथ इसको रज्जु क्षेत्र गणित भी कहते थे, रज्जु क्षेत्र गणित। इस नाम से भी इसको जाना गया। ज्यामिति और भूमिति भी कहा गया, ज्यामिति भी कहा गया और भूमिति, भूमिति। ये इस तरह इतने नामों से रेखागणित को जाना जाता है। पाई बटे दस का मान उन्होंने दशमलव के 32 स्थान तक, बच्चों जिसमें क्या क्या था, 0.3154923523834932। ये इस तरह से पाई बटे दस का मान, ये किसके अनुसार है बच्चों, भारती कृष्ण तीर्थ जी ने पाई बटे दस का मान 32 स्थानों तक निर्धारित किया था। श्रीनिवास रामानुजन, जिसका गणित के प्रतियोगी ज्ञान काफ़ी अच्छे से रहा है, उन्होंने अपने शोध पत्र में प्रतिरूपम समीकरण और पाई के सन्निकटन मान, उन्होंने एक शोध पत्र लिखा था प्रतिरूपम समीकरण और पाई के सन्निकटन मान, तो पाई के सन्निकटन मान ने कई सूत्र की खोज की थी श्रीनिवासन रामानुजन ने। तो इस तरह से बच्चों ये तो था गणित का इतिहास, और गणित इतिहास के बाद हम चलेंगे अगली क्लास में प्रश्नावली की ओर। तो आज क्लास बस इतना ही, इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।